what stream were you in? कितने लोगों का दिल तोड़ा आपने एंगेजमेंट की आर रियली द बैड वंस गाइस द बैड कॉप्स आर हियर लुक व्हाट हैज हैपेंड इंटरोगेशन रूम है और इनको देख के तो मैं सच में सब कुछ उगल गई बट व्हाई हैव यू गॉट मी हियर व्हाई दिस व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज़ यू गॉट एंगेज्ड एंड बहुत सारे मर्द और औरतें दोनों ने आप पे केस ठोपाया सीधा सुप्रीम कोर्ट पे अब जस्टिस चंद्रचूड ने बोला पकड़ के ले आओ बात करनी है तेरी साइड पे काफी नेम ड्रॉपिंग हो रही है यहाँ पे उनका भी दिल टूटा है ओह गाइस इंटरोगेशन रूम है बट हम देखते हैं हु इज गुड एट दिस कि हम लोगों का झूठ पकड़ सकते हैं सो आई हैव चिट्ठीज फॉर एवरीबॉडी नाम से सौरभ के लिए दो हरलीन के लिए दो ओके गाइस सो एक मिनट का टाइम रखा जाएगा एंड एवरी पर्सन हैज टू रीड आउट व्हाट्स रिटन ऑन दोस टू शीट्स और हम सब बाकी लोग उस एक मिनट में उनको क्विज कर सकते हैं और पता लगाना है विच इज विच ठीक है सो वी शुड स्टार्ट विद सच हुआ तो मार्क दिखाना पड़ेगा अपने ऊपर कभी नहीं गिरा शिट चमु बना ओके फाइन यू आर अ गुड कॉप चमु बना इज अ बैड कॉप एक्चुअली इज बैड बिकॉज़ ही इज क्वाइट गुड एट दिस एक्चुअली लेट अस विल अभी कौन है अभी ये दशमी के पीछे इनका लास्ट कथिंग स्पेशल अच्छा यू आर अ फोकस प्लेयर तुमने तो चश्मा भी पहन लिया वाह बेटा I got my first standing ovation for a play I did in school when I was in 6th standard. इनका हमेशा ही 6th, 7th standard type का तो कमाल करा ही होगा दूसरा पढ़ो लेकिन ये हटाओ आंखों से हमें सच्चाई ज्ञात होती है बाप का नाम विजय माँ का नाम भी विजय बाप का नाम विजय माँ का नाम भी साइन दिखाओ दादाजी का नाम क्या दादाजी का नाम करमचंद Were you into extracurricular in school? Yes. अच्छा क्या चीज़ going on? Yes. चश्मा हटा ना. थिएटर करते थे आप स्कूल में? किया है कभी कभी थोड़ा थोड़ा. अच्छा प्ले का नाम बताओ. मैं क्या बताऊँ? बाप का नाम विजय. संजय की झूठ है. मतलब बाप का नाम विजय. माँ का नाम विजय. माँ का भी नाम विजय. I think वो ही सच होगा. हाँ मैं रिस्क ले लेते हैं. हाँ वो रिस्क लेते हैं. मुझे नहीं लगता है स्टैंडिंग ओवेशन इन सिक्स स्टैंडर्ड नहीं उसके बाद मेरी भी बात
I have never tasted masala chai in my life. I don't think that can be true, but I mean, my first relationship was with a person who is not a straight anymore. Yes, yes, I guess. Look at all, like, you're not giving anything away. Okay, was it a good relationship? नहीं मसाला चाय तो उसने पी है तो वही है कि योर फर्स्ट रिलेशनशिप द विद whom यू हैड दैट पर्सन इज नॉट स्ट्रेट एनीमोर इज व्हाट आई वुड चूज या आई थिंक सो आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बट वी विल या वी विल आस्क दैट पार्ट टू बट आई थिंक या है ना या नॉट स्ट्रेट एनीमोर शैल आई रिवील द ट्रुथ आई हैव नेवर टेस्टेड मसाला चाय इन माय लाइफ दैट्स द ट्रुथ यस दैट इज द ट्रुथ और आपके साथ काम एक्सक्यूज मी गाइस आपको लगता है मैं रिलेशनशिप की बात ऐसे करूंगी हद है यार आप तो मुझे जानते ही नहीं मसाला चाय नहीं पी तुमने मैं प्राइवेट पर्सन नहीं कभी नहीं पी मैं हमेशा तो कॉफी पी रही होती हूं देखते नहीं हो बचपन से ओके गाइस मे बी ओ या चश्मा मिल गया इसमें नहीं दिख रहा अच्छा एनीवे माय मदर फॉरगॉट मी एट अ बस स्टॉप एज अ चाइल्ड आई हेल्प्ड अ फ्रेंड इलोप विद देयर लव फर्स्ट वन फुल गेम है ना मैंने नो फ्रेंड हेल्प इलोप फ्रेंड हेल्प इलोप या इलोप इलोप माने क्या किया मैं को बस स्टॉप में भूल गए ना तुम कहां रह रही कहां रह रही बस का टिकट किसने स्कूल से आ रही थी कहां पे रहती कहां पे यही सच है यही सच है स्कूल से आ रही थी वो तभी मां भूल गई बस स्कूल से आ रही थी कौन से स्कूल से ब्लूबेल से आ रही थी कहां पे उतरी उतरी नहीं ना भूल गई हां कहां पर अरे अच्छा आप लोगों को बहुत लोगों की मदद करती हैं आप हां मैं हूं तो बहुत अच्छी हूं वेरी हेल्पफुल ना वेरी वेरी हां तो वही है कि दोस्त को ही शी हेल्प नहीं मुझे लगता है मम्मी भूल गई मम्मी भूल गई हां मुझे लगता है कि ब्लू बेल्ट का जो मम्मी मम्मी बोल रही है थोड़ा कुछ होता है इमोशन इनको कुछ हुआ थोड़ा चंचल हार्ट हुई गाइस सेकंड वाला मान लो ऑन फर्स्ट वाला मैं वही सेकंड वाला कि दोस्तों की शादी ये हमेशा उल्टा क्यों जाता है जो दूसरे बोलेंगे उससे उल्टा ही जाता है क्योंकि मैं चोर हूं मैं पुलिस नहीं अच्छा रिवील करने का टाइम हो गया ओके ओके सो एंड द राइट आंसर बैक कॉप्स इज आयो हेलो मैंने लोगों को भगाने में मतलब है फोर्स में जाने का चांस अभी भी है विजय आंटी को कंप्लेन करनी पड़ेगी यार क्यों नहीं मिली मेरी मां मुझे कभी नहीं भूल सकती मैं स्कूल बस में जाती ही नहीं थी सो गाइस अब इससे छुटकारा मिलेगा मुझे बिल्कुल अब मैं आप लोगों को अरेस्ट करके ले जाऊं हां ले बिल्कुल अब मेरी जेल भाई आइकॉनिक कैरेक्टर है शोम 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 शामो शाशा प्रोडक्शन वाले भी कई बार डिफरेंशिएट करते हैं हाउ दे ट्रीट यू कि आप सेकेंडरी कास्ट हो